ये आदमी एक हॉट एयर बेलूनिस्ट है। उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सैकड़ों पत्रकारों को इकट्ठा किया। वो तीन महासागरों में दुनिया भर में सिर्फ एक हवा के गुब्बारे से 7 दिनों की यात्रा करने जा रहा था। यदि वो सफल रहा तो वो रिकॉर्ड को तोड़ने वाला इतिहास का पहला व्यक्ति होगा। फिर उसने अपनी यात्रा शुरू की। लैंड क्रू के साथ जाँच करने के बाद वो गुब्बारे से बाहर निकलता है। उसने सभी फ्लेम थ्रोवर्स को बंद कर दिया। अब गुब्बारा एक प्रबंधनीय ऊंचाई पर पहुँच गया है। गुब्बारा हवा की धाराओं द्वारा रूसी हवाई अड्डे से बाहर निकल गया। फिर उसने अपना बैग खोला और खाने को हीटर पर रख दिया। वह बड़ी मुश्किल से खाना खा पाता है। यदि वो इसी गति से चलता रहा तो वह 7 दिन में रूस में वापस आ जाएगा। तभी उसे एक झटका लगता है। उसे पता चलता है कि फ्लेम थ्रोवर ठंड के कारण खराब हो गया है। तो इसी बीच उसे एक मॉनिटर कॉल करता है और पूछता है कि क्या उसे मदद की जरूरत है। तो वो उसे कहता है कि नहीं, वो सब संभाल लेगा। क्या यह आदमी दुनिया का चक्कर लगाकर 7 दिन में वापस आकर रिकॉर्ड को अपने नाम कर पाएगा? जानने के लिए कॉमेंट फॉर पार्ट 2 और पार्ट